न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिवस पर किया रुद्राभिषेक, लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश, हुए लखनऊ रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ राहत आयुक्त ने लिया बाढ़ से बचाव और राहत संबंधित तैयारियों का जायजा, दिया आवश्यक टिप्स। मुर्दा मिला जिंदा, बिहार में जिस व्यक्ति की हत्या का दर्ज था मुकदमा, गोरखपुर में मिला जिंदा। बेलहर बिहार थाने की पुलिस मुर्दा मिले जिंदा को लेकर हुई बिहार रवाना। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडली समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गर्ल्स हॉस्टल की तर्ज पर अब गोरखपुर विश्वविद्यालय चलाएगा बॉयज हॉस्टल, 22,000 रुपए निर्धारित हुई शुल्क। कुलपति ने कहा मेस चलने से होगी बिजली की बचत, दूर होगी अराजकता। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक, कहा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ समय से करें पूरा, लापरवाही करने वाली संस्थाओं पर दर्ज होगी FIR। स्थानीय पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने गोरखपुर से 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, मुंबई के गल्ला व्यवसायी के वहां से 2 लाख नकदी समेत बेयरर चेक लेकर चल रहे थे फरार। खोरावार पुलिस ने किया एक गौ तस्कर को गिरफ्तार, बरामद किए 7 गौवंशी बछड़े, SSP ने कहा बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे तस्कर। नवागत SPCD ने गोलघर की सड़कों पर किया पैदल गश्त, लोगों को दिलाए सुरक्षा का एहसास, कहा दुकानों के अंदर और बाहर भी लगवाएं CCTV कैमरे तथा बाइक चलाते समय करें हेलमेट का प्रयोग ताकि जिंदगी रहे सलामत। 50 वर्ष के हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन, समर्थकों ने केक खिलाकर अपने सांसद की दीर्घायु होने की कामना। बेलघाट पुलिस ने कच्ची अवैध शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 25 क्विंटल लहन तथा 200 लीटर अवैध कच्ची शराब किया नष्ट, SSP ने कहा जारी रहेगा अभियान। शिवालय में हर हर महादेव की गूंज, लगी भक्तों की भीड़, लोग अपने आराध्य और देवों के देव महादेव को जल के साथ साथ भांग, धतूरा, सफेद फूल सहित कई प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाकर की पूजा अर्चना। और जिला अस्पताल में बिछाई जा रही सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन, मरीजों को जल्द ही बेड के पास मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा।